Hello again, welcome back to the channel and speed में तो मेरे बिना कैसे ब्लॉग चालू कर दिया था? नहीं किया था ना, इसलिए तेरा वेट कर रहा था. So yes, they have already joined up. Okay, तो आज का ब्लॉग का मेन रीजन ये था कि एक्चुअली आज मैं सुबह अपना लैपटॉप थोड़ा ऐसे ही खोल के देख रहा था, जो मेरा जो लद्दाख वाला जो सारे वीडियोज है उसको मैं चेक कर रहा था. तो उनमें से कुछ वीडियोस मुझे ऐसे लगे हैं जो मैंने, जो मेरा लद्दाख वाला ब्लॉग है उसमें मैंने नहीं डाला है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, और वो सब चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. बट देयर आर ऑलरेडी 20 एपिसोड्स, राइट? 20 एपिसोड्स, 22 ब्लॉग्स. सो इफ समबडी इज वाचिंग दिस वीडियो न्यू एंड लाइक यू हैव जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, देन देयर आर 20 एक्साइटिंग एपिसोड्स फॉर भुवनेश्वर टू लद्दाख एंड बैक, which you can definitely go down in the video section. अभी जो link इस description box में अभी दे दूँगा, वो playlist का link आप देख सकते हो. मेरा जो लद्दाख का वो पूरा trip था, 20 दिन का trip था, 20 episode थे, आप लोग उसको देख सकते हो. Yes. Day one, day two करके वो है. Yes. उन बीच में, उस बीच में हम लोगों ने कुछ interesting चीजें किए थे जो मैंने blog में नहीं डाला था. Yes. और उनमें से एक चीज था, जब हम लोग पैंगोंग लेक से रिटर्न आ रहे थे लेह की तरफ, तब हम लोगों ने जानबूझ के एक शॉर्टकट लिया था. Yes. जबकि रास्ता ऐसे था, मतलब नॉर्मल रास्ता था. I guess it was from Leh to Manali की तरफ. वो एक बार एक था, वो जो सब और पैंगोंग से था. दो बार हम लोगों ने लिया था. एक्चुअली इसके बारे में हमें अनित ने बताया हुआ था, अनित फ्रॉम BWRC. सो द मोमेंट वी रीच्ड पटनी टॉप, हम जाते टाइम जब पटनी टॉप पहुंचे तो वो वहां से होकर के ही वाज कमिंग द अदर वे अराउंड. सो वी वेंट फ्रॉम दिस साइड, ही केम फ्रॉम दैट साइड. यस. तो वो हमें पटनी टॉप में मिला था, एंड उसने हमें बोला था कि भैया देयर यू विल बी गेटिंग शॉर्टकट्स एट प्लेसेस, डू टेक देम, दे आर वेरी एक्साइटिंग. बट उसने हमें बताया नहीं था कि शॉर्टकट का मतलब ये होता है. So, जो कि आप आगे देखने वाले हो. एंड और अमित जो चला रहा था वो था वर्सेस 650. yes. जो कि ट्रूली एक ऑफ रोड बाइक है. yes, हम लोग का जो बाइक है वो ऑफ रोड बाइक नहीं है. इसका जो बाइक है उस होंडा सिविया 650 है. अगर आप लोग अभी नए नए मेरे सब्सक्राइबर बने हो तो ये चलाता है होंडा सिविया 650, और मैं चलाता हूँ कावासाकी निंजा 1000. तो हुआ ये था कि हम लोग जब रिटर्न आए थे पैंगोंग लेह से वापस लेह की तरफ, तो एक शॉर्टकट हमको दिखा. हम लोग इसे देख पा रहे थे कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक शॉर्टकट जा रहा है. अगर हमको डायरेक्ट जाना तो इसे घूम के जाना पड़ता, लेकिन हम लोग वो शॉर्टकट लिए, और बहुत ही एक्साइटिंग शॉर्टकट था वो. थोड़ा सुमन आपको समझाएगा वो शॉर्टकट एक्चुअली कैसा था. यस. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आई गेस, हाँ ये दिख रहा है, राइट? सो हम तकरीबन यहाँ से राइड करते रहते हैं. दिस इज अ माउंटेन, देन देयर इज अ ब्रिज, then this is another mountain. So ये पहाड़ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी पहाड़ रहता है, पहाड़ के साइड में ये रोड रहता है, एंड ये पहाड़ से ये पहाड़ तक का एक कनेक्शन रोड रहता है जो कि एक ब्रिज के थ्रू जाता है. yes. फिर यहाँ से ऐसे रोड नीचे होते एकदम पहाड़ के नीचे तक आता है. बट समवेयर नियर हियर देर इज अ डायरेक्ट रोड फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. सो दैट इज काइंड ऑफ अ ऑफ रोडिंग शॉर्टकट. सो वो सेक्शन जो रहता है दैट इज वेरी वेरी स्टीफ. तो उसका एंगल समवट अराउंड ऐसा रहता है, दिस इज लाइक दिस मच ऑफ एन एंगल इन व्हिच वो वीडियो में आपको इतना पता नहीं चलेगा. वीडियो में नहीं पता चल गया बिकॉज़ हम वीडियो जो है भूल गए थे, वो एक्चुअली गोप्रो वाइड एंगल में लिया हुआ है, तो आपको इतना yes. समझ में नहीं आया. सो वाइड एंगल का क्या फंडा रहता है कि करंटली आप जो देख रहे हैं ये फ्लैट है, तो इसमें द व्यू दैट यू आर सीइंग दैट इज रॉ एंड रियल. वाइड एंगल में क्या है, मेरे साइड का वॉल भी खींचता है वीडियो, सो इंटेंट टू डू दैट इट स्क्वीजेस द पिक्चर. Yes. So, अगर मेरा एक एंगल ऐसा है, वो स्क्वीज करने के चक्कर में आपको रोड ऐसा दिखता है वीडियो में, जबकि एक्चुअल में रोड ऐसा होता है. सो व्हेन यू विल बी सीइंग द नेक्स्ट क्लिप इन द वीडियो, ट्रस्ट मी इट्स एक्साइटिंग, इट टुक द ब्रेथ आउट ऑफ अस. आई मीन हम लोग इतना थ्रिलिंग आज तक महसूस नहीं किया था. इट वाज अमेजिंग. हम लोग अभी जब वापस में वीडियो आज देखा और सुमन को बुला के दिखाया, तो सुमन पूरा उसका मुंह पूरा से खुला का खुला रहता है. हम लोग ऐसे रोड में गाड़ी चलाए हैं, अभी हम लोग सोचने से भी मतलब अंदर से वो जो थ्रिल है वो मतलब बाहर निकल के आ रहा है. yes. और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा अगर आप वो वीडियो किसी बड़े पर्दे पर देखें. इफ यू आर एबल टू वॉच इट इन योर होम टीवी, इट विल बी अमेजिंग, बिकॉज यू कैन नोटिस
वो इतना स्टिफ था कि मेरा रियर टायर लॉक हो रहा था. इसके कैम से रिकॉर्डिंग हुआ सारा, सो आई एम द वन हु इज इन फ्रंट ऑफ हिम. सो माय रियर टायर वाज गेटिंग लॉक्ड मोर ऑफन, द बाइक वाज स्लाइडिंग, सो इट वाज सो स्टिफ, देयर वाज ऑल सैंड एंड मड. तो ऐसा एक जगह था लूज ग्रेवल जहां पे बाइक के दोनों ब्रेक हमारे लॉक थे और बाइक स्लाइड कर रहा था, स्लाइड कर रहा था. और वो प्रीटी एक्साइटिंग, यू नो, इट्स अ मतलब बहुत ही नया फीलिंग था वो. वी नेवर फेल्ट दैट हैपनिंग. Because you know, you are all on your own out somewhere in the wild, and you are nowhere near to your comfort zone. आप कोई call करने पे कोई नहीं आ सकता. It's a risky zone, and then you are you know doing something which you know makes you feel alive. It's amazing. आप लोग नए हो और पहली बार लद्दाख जा रहे हो तो आप लोग ऐसा मत करना. हम लोग थोड़ा pro level में हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, हम लोग प्रो लेवल पे है नहीं. सो थोड़ा बहुत हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे गाड़ी पर. यू कैन डेफिनेटली डू इट इफ यू आर यूज्ड टू योर मोटरसाइकिल. सो वी हैव बीन यूज्ड टू आवर मोटरसाइकिल. अगर आप ऐसे हो जो कि अभी लद्दाख जा रहे हो, यू आर हायरिंग अ रॉयल एनफील्ड एंड वहां घूमना है, बिल्कुल भी नहीं. डोंट, जस्ट डोंट. बिकॉज खुद का गाड़ी, अगर अपना गाड़ी ले रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर मोटरसाइकिल, यू डू दैट. बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, नो नीड टू स्ट्रेस अपॉन इट. आपने देखा शॉर्टकट है, छोड़ दो उसे, नो प्रॉब्लम. बट डोंट गेट लस्टी ओवर इट. बहुत अच्छा था और इट्स ब्यूटीफुल. अभी जो आपको हम लोग दिखाने वाले हैं, वो वाले क्लिप दिखाने वाले हैं, उसके अलावा कुछ ऑफ रोड हम लोगों ने ऐसा लिया था जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं डाला है, ज्यादा देर तक नहीं डाला है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है. लंबा हो जाता है. तो उनमें से भी कुछ क्लिप्स मैं आपको डालूंगा. बहुत डेडली ऑफ रोड थे वहां पे. yes. वो वाला भी डालने वाला हूँ. एक जगह में तो पूरा अंदर चला गया था पूरा. हाँ, मतलब स्टाइल मारने के चक्कर में नहीं, देखने के चक्कर में. मैं एक्चुअली देखना चाहता था कि कितना हाइट है. सो मतलब हम लोग क्या हाइट पे चला रहे हैं. मैं वो वाला पॉइंट को थोड़ा स्लोमो करूंगा. आप लोग देखना सुमन कितना क्लोज चला गया था. और बिलीव कीजिए भाई लोग, मिनिमम 150 feet का वो ये था. हाँ, हाई था. हाँ, शायद मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था वो देखने पे. वो जगह आप वीडियो में आप देखोगे, आपको उसी से डर लगेगा. वो इतना मैं खुद देखा सुबह, मैं डर गया कि यार what was I doing at that time. But और yeah, it was all fun. और ज़्यादा पकाएंगे नहीं, वीडियो दिखाते हैं. वीडियो देखते हैं. आज बहुत गर्मी है भुवनेश्वर, बहुत ज़्यादा. यू नो, तितली ने धोखा दे दिया यार. हर तितली धोखा ही देती है. चलो कोई बात नहीं, आपको तुरंत लेते हैं वीडियो की तरफ. सो जो नेक्स्ट क्लिप आने वाला है, वो आने वाला है some unseen footages from Ladakh. Yes. Bye bye. Tada. See you. Ride safe, ride with gears. Ride with gears. Chalo, chalo, chalo. इंजन ब्रेकिंग रोड है. इट्स बेटर देन दैट रोड. ओके यू जा जा, तू जा, तू जा बाहर जा. मैं उधर फंसी गई थी, बाहर जा तू. हाँ, रेडने रेडने. यस यस. चल कौन सी लग जाकर. कहाँ ला जीबा. राइट तरफ से चल चल. Thank you.
ইজি আছে সেটা ডিফিকাল্ট না ওকে লেটস গো হাই ভাই হাই কেসা লাগা